पावर विंडो भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अगर ये हम स्विच यहाँ पे फिट करके देंगे, ये पावर विंडो ही बन जाएगा, जैसे ये पावर विंडो बन गया, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे ORVM का फोल्डेबल स्विच आ जाता है। एक तो चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। हम लोग आए हुए हैं कार मॉड रानीबाग में, और आज भाई लोगों ने ना आप लोगों के लिए कुछ नेक्स्ट लेवल की चीजें जो है यहाँ पर तैयार कर रखी है। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें कैप्शन में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आप लोगों को आज जितने भी मारुति के मैं OEM स्पेयर पार्ट्स या कुछ भी चीजें जो दिखाने वाला हूँ, ये मैं आप लोगों को विद प्राइसिंग आज बताऊंगा, ठीक है। मेरे साथ आज विजय है, हितांशु जो है वो थोड़े से काम से दिल्ली से कहीं बाहर गए हुए, आप लोगों के लिए कुछ वर्किंग जो है वो करके लेके आएंगे अलग चीज की, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे पास मारुति गाड़ी हो, ब्रेजा गाड़ी हो, इग्निस गाड़ी हो, और कौन सी भाई बताओ, बलिनो गाड़ी हो, और कोई भी गाड़ी हो, कोई सी गाड़ी, ऑल गाड़ी कोई भी हो, मारुति की गाड़ी होगी, गाड़ी। चलो भाई रेट वाइज स्टार्ट करते हैं, अगर किसी का हम लोग रेट मिस कर जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग वर्किंग कर लेंगे। पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पहले तो ये जो गाड़ी लेते हैं तो बंदे की सबसे पहले सोच होती है पावर विंडो। अरे डोर ट्रिम कहाँ है? डोर ट्रिम दिखा दो भाई, कोई बात नहीं, डोर ट्रिम मिल जाएगी, ठीक है। डोर ट्रिम जब तक निकाल के ला रहे हैं तब तक आप विंडो भी बताएंगे आपको, सारे दिखाएंगे, VXI वाली, ZXI वाली भी और अपनी डिजायर की भी। तो पहले इसी से स्टार्ट कर दो ना, पहले यहाँ से मीटर से शुरू करते हैं। ये है ZXI प्लस का मीटर, ठीक है। ये आपका टॉप एंड जो वेरियंट का होता है, ठीक है, ये उसका मीटर है, ठीक है। क्या ये ब्रेजा का भी मीटर है? ये ब्रेजा का भी है, ठीक है। ये ब्रेजा का मीटर, ये टॉप एंड ब्रेजा है, ठीक है। ये इग्निस का है, ठीक है। ये डिजायर का है, ठीक है। उधर से मैं आपको दिखाता हूं, शुरू करते हैं स्विफ्ट VXI। स्विफ्ट VXI से स्टार्ट करते हैं, ये VXI वाला मीटर है, ठीक है। ये आप लोगे तो ये 8,500 रुपए पड़ेगा आपको, 8,500 विद फिटिंग, विद फिटिंग 8,500 रुपए का विद फिटिंग आपको VXI वाला मारुति का जो है स्विफ्ट का मीटर मिल जाएगा। डन हो गया भाई, दूसरी ये ब्रांड न्यू होते या रिफर्बिश्ड होते? ये ब्रांड न्यू होते भैया, रिफर्बिश्ड भी मिलते हैं? रिफर्बिश्ड नहीं होते, ओरिजिनल होते, हां ब्रांड न्यू। चलो ठीक है, दूसरी चीज बताओ। दूसरी चीज ये है जो ZXI प्लस वाला जो हमने अपना इसमें MID डिस्प्ले वाला, ठीक है। तो ये आपको पड़ेगा 11,500 रुपए का, 11,500 रुपए विथ फिटिंग विथ लेबर, जी। डन हो गया भाई, नेक्स्ट चीज क्या दिखा रहे हो? ये ब्रेजा का हो गया अपना, ठीक है भाई। जो 2022 मॉडल है ये ब्रेजा, ठीक है। टॉप एंड मॉडल वाला अगर किसी को लगाना है तो वो है, ये पड़ेगा आपको 15,000 रुपए का विथ फिटिंग, 15,000 रुपए विथ फिटिंग का ब्रेजा 2022 का टॉप मॉडल, टॉप मॉडल का, ठीक है भाई। ये उसके बाद आप आते हो तो ये डिजायर का मीटर, ठीक है। ये डिजायर का मीटर पड़ेगा आपको 10,500 रुपए का विथ फिटिंग, 10,500 का विथ फिटिंग। ये टॉप मॉडल का, टॉप मॉडल का ZXI प्लस वाला है। इसमें MID आता है, इसमें जो MID डिस्प्ले आती है, ये टेम्परेचर सुई आता है, ये फ्यूल सुई आता है, ठीक है भाई। ये चीज है टॉप मॉडल, डन हो गया भाई, नेक्स्ट चीज, ठीक है। ये हो गया अपना इग्निस का, ठीक है भाई। ये इग्निस का मीटर है, जो सिग्मा में आपको अल्फा वाला लगवाना है तो ये अल्फा का मीटर है। ये आपको पड़ेगा भैया 14,800 रुपए का विथ फिटिंग, ठीक है। इसका पीछे एक बार दिखाओ, ये पीछे ये OEM है कि नहीं आप लोग चेक कर सकते हो, ये पार्ट नंबर वगैरह सारे लिखे होते हैं, और ये सीधे प्लग एंड प्ले है सारी चीज। ऑन डिमांड आप लोगों के लिए रेट जो है वो हम लोगों ने रिवील कर दिया, काफी लोगों की थी कि भैया प्राइस नहीं बताते वीडियो में, प्राइस नहीं बताते हो, तो इसलिए हमने ये प्राइसिंग वाली वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा हो जाए कि भैया क्या चीज है, किस रेट में मिलता है। और मेन चीज होता है हमारे पास कोई भी काम होगा। अच्छा तू क्या चाहता है कि मैं इन चीजों को रिटर्न में भी नीचे डाल दूं डिस्क्रिप्शन में? रिटर्न में मतलब कैसे करना है? मतलब रिटर्न में मतलब लिखा हुआ भी आएगा उसमें पूरा? हाँ वो डाल देंगे ना, थंबनेल में डाल देंगे ना। हाँ थंबनेल में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, साथ में थंबनेल में भी डाल देंगे कि अपने को क्या इतने का मिल रहा है। चलो भाई ठीक है, डन हो गया। अब ये स्टेयरिंग है, ये अपना ZXI प्लस वाला स्टेयरिंग है, ये बार निकाल के इसको आप दिखा दीजिए। ये विद हब आता है विदाउट हब आता है? ये विदाउट हब आता है भैया, ठीक है। ये वैसे हब के साथ कम्प्लीट लोगे तो ये आपको पड़ेगा 4,500 का, और विदाउट हब फिटिंग, और विदाउट हब लेते हो तो ये 3,500 का, 3,500 विदाउट हब, 4,500 विथ हब। ओरिजिनलिटी का पता लगाना है, वो हब भी, ठीक है भाई, आप लोग ओरिजिनलिटी का पता लग जाए, ठीक है। इसके और भी हैं, और भी स्टीयरिंग वो देखो पड़ा हुआ सारा, ठीक है। पूरा स्टॉक डन है, पूरा स्टॉक है, इवन मेरे को वो दिखा दो। और इसका जो हब है ये देखो, ये हब है, तो ये हब के साथ का रेट है ना? हाँ, ये हब के साथ का मतलब 1,060 रुपए का ही एमआरपी है, और ये आपको उसी में पड़ेगा 4,500। परफेक्ट हो गया भाई। दूसरा कौन सा स्टीयरिंग है भाई? दूसरा इसमें ये वैगनार का है, ठीक है। पर वैगनार का स्टीयरिंग, ये वैगनार में जैसे VXI का लेते हैं, ठीक है, तो LXI में स्टीयरिंग नहीं आता, तो ये अगर टॉप मॉडल वाला लगाना तो ये भी है, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं आती भैया, पूरी गारंटी है इस चीज की। और जो लगवा के गए होंगे वो भी देख रहे होंगे अगर वीडियो, तो उनको भी इस चीज का अंदाजा होगा, जो अभी तक कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं। कितने रुपए का फिर से बताओ? ये आपको 7,500 का पड़ेगा विद फिटिंग, ये विद एयर बैग, विद एयर बैग वाला, इसमें एयर बैग भी मिलेगा आपको। अच्छा एयर बैग भी इसके साथ हमको मिलता है? हब मिलेगा आपको, हब जो मारुति वाला दिखाया आपको जैनमैन, ठीक है, मिलेगा। परफेक्ट। अच्छा एक चीज मेरे को बता, ब्रेजा बलिनो में कौन से स्टीयरिंग लगते हैं? ये सारे ये ब्रेजा बलिनो और स्विफ्ट, ये तीनों गाड़ी के स्टीयरिंग है, तीनों स्टीयरिंगों के सेम रेट है, 4,500 रुपए विद हब, विदाउट हब 3,500 रुपए। भाई डन हो गया, फिटिंग करा के ले जा सकते हो
फिटिंग करा के, ये विद फिटिंग के रेट अगर आपको कोई भी बताता है तो आप समझ लेना। इसका अभी किसी ने दिखाया नहीं होगा ऑन यूट्यूब, मैं अभी पहले ही वीडियो में दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ। ये फॉग लाइट वाला असेंबली है इसका, ठीक है। ये कौन कौन सी गाड़ियों के लिए? ये आपको स्विफ्ट, बलेनो, ब्रेजा, मतलब मारुति की ऑलमोस्ट कोई भी गाड़ी ले आओ। क्या पैसे है इसके? ये आपको पड़ेगा 1800 रुपए विद फिटिंग, रिले वायरिंग के साथ कम्प्लीट आपको फॉग लाइट वर्किंग करके देंगे अगर फॉग लाइट लगवाते हो आपको। फॉग लाइट के पैसे अलग है, केवल इसके पैसे कितने हैं फिर से बताइए? 1800 रुपए। ये वीडियो अगर आप 2 साल बाद या 3 साल बाद देख रहे हो तो हो सकता है प्राइसिंग बढ़ गए हो, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइमिंग यही रेट जो है चलने वाला है। एंड दिस इज ऑल्सो OEM, आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप लोगों को इस वीडियो का बहुत इंतजार था, मैं वीडियो लेके आ चुका हूं। ये इनर हैंडल क्रोम है इसका, ठीक है। ये कौन कौन सी गाड़ी के लिए? ये मारुति स्विफ्ट, प्लिनो, ब्रेजा, मारुति ऑलमोस्ट ये वैगनार छोड़ के किसी भी गाड़ी में लग जाता है, ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 1000 रुपीज का 4 पीस है। 1000 रुपए में 4 पीस आप लोगों को ये पीस जो है आपके इनर क्रोम हैंडल जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। दीज आर ऑल्सो OEM, ये पूरे पैकेट पैक होते हैं और आप लोगों के खोलने के, ठीक है। हाँ, बट पूरा आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने खोला, स्टॉक में सारा चीजें रहता है, ये देखो भाई स्टॉक में पूरा, ठीक है। 1000 रुपए का MRP वगैरह सब है, 1000 रुपए का आपको 4 पीस। यहाँ पर MRP नहीं फाड़ के दिखाई जाती है, MRP दिखाई, हम कस्टमर को सामने फाड़ के देते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं कि पीछे फाड़ के देना या दिखाना, वो चीजें। चलो भाई डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है भाई? ये स्विफ्ट का जैसे हम पावर विंडो लगाते हैं तो ZXI वाला टूटर साइज होता है, ठीक है। ये भाई सबसे मतलब कहते हैं रेयर चीज है तो सस्ती चीज, लेकिन ये बहुत मुश्किल से मिलती है। कोई काम कराता तो हम कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं इस चीज के पैसे, अगर पूरी गाड़ी का काम करवा रहे हैं, क्योंकि ट्यूटर वगैरह लगाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, खुद ही काट के लगाना, जैसा भी बलिनो तैयार हो रही है उसमें भी हमने लगा दिया, वो दिखाएंगे हम तो गाड़ी दिखाएंगे, हाँ उस चीज के पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा ये गियर नॉब है, ठीक है भाई। ये एक बार खोलो भाई गियर नॉब, हल्का सा मेरे को इसका एक आइडिया दिखाओ, ठीक है भाई। गियर नॉब ओरिजिनल, ये कौन कौन सी गाड़ी में लगता है? ये मारुति स्विफ्ट, बलिनो, ब्रेजा, वैगनार, इन सब गाड़ी में लगता है। ब्रेजा में तो ऑलमोस्ट लगते हैं। क्या पैसे? प्राइस भी 350 का ये। 350 रुपए में आप लोगों को गियर नॉब मिलता है OEM वाला, टॉप मॉडल वाला, आपकी मारुति गाड़ी के लिए 350 रुपए इंक्लूडिंग लेबर। लेबर इसमें होता क्या है? खोलना तो उसमें है ही, बस मारुति का जो भी पार्ट्स होगा उसमें लेबर इंक्लूड है, बाकी जो भी चीज आप लगवाते हो उसका चार्ज लगेगा आपको, बाकी मारुति का जो भी पार्ट्स का आप काम करवाते ना उसका इंक्लूड लेबर है, ठीक है भाई। ये आप लोगों को जो है चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चीज के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है आप लोगों की गाड़ी का बलिनो, जैसा ही बलिनो लग रही है, ठीक है। उसका साइड में नहीं लगा, इसका साइड में बलिनो का, ठीक है। ये फोल्डेबल वाला ही होता है, ये फोल्डेबल होता है, एडजस्टमेंट होता है, इंडिकेटर होता है, प्लस ग्लॉसी ब्लैक होता है। क्या प्राइस है? ये आपको पड़ेगा 10,000 का विद फिटिंग वायरिंग कंप्लीट, फिटिंग वोटिंग के साथ सारा कपलर टू कपलर। 10,000 रुपए में आप लोगों को विद कपलर टू कपलर, रिले लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, तब भी अभी ये लगा के देंगे आपको, ये 10,000 में फिट करेगा। परफेक्ट है भाई, बलिनो गाड़ी के जितने भी शौकीन है उनके लिए ये है, नई वाली बलिनो। अपने कपलर टू कपलर बना के देंगे आपको, कोई इसमें वायरिंग कट नहीं। ये स्टेरिंग कौन सा है भाई? ये स्टेरिंग है भैया ब्रेजा का, ठीक है। अभी ये स्टेरिंग आपने पूछा तो मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेजा का स्टेरिंग है, ये ओल्ड ब्रेजा है, हाँ ओल्ड ब्रेजा। अब ये बता देता हूँ आपको कौन कौन सी गाड़ी में लग जाता है, जैसे मारुति की गाड़ी, ठीक है, पुरानी वाली स्लेरी हो गई, ठीक है, जिसमें एयरबैग नहीं आता, स्विफ्ट हो गई पुरानी वाली, जैसे पीछे की जितनी भी गाड़ी है उन गाड़ी में स्टेरिंग फिट हो जाता है। क्या पैसे इसके? ये पड़ेगा आपको भी 5,500 का विद फिटिंग, 5,500 रुपए जी, 5,500 रुपए का आपकी सिलेरियो गाड़ी के लिए, ओल्ड मतलब ओल्ड सिलेरियो, ओल्ड ब्रेजा और ओल्ड स्विफ्ट, कोई भी ले आओ आप मारुति के पुरानी वाले जो भी है विदाउट एयरबैग सब में 5,500 रुपए विद फिटिंग एयरबैग के साथ वाला, ठीक है। एयरबैग प्लस इसमें मारुति सुजुकी का ये भी हब भी इसके साथ लग के आएगा, ये सब इंक्लूडेड पैसे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसा आप लोगों को आइडिया इसमें मिल रहा हो। ये रूफ लाइट है उसकी बलिनो की, ठीक है, जो मारुति नेक्सा ओरिजिनल है ये भी, ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। अच्छा आप... ये हम लोग चाहे तो अपनी स्विफ्ट गाड़ी में लगा सकते हो, किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, स्विफ्ट गाड़ी में, बलिनो गाड़ी में, ब्रेजा गाड़ी में, किसी में भी आप लगाना चाहो तो दिस इज प्लग एंड प्ले। इवन कोई और गाड़ी में भी लगाना चाहो उसमें भी लग जाती है, इसमें प्लस माइनस की तार चाहिए होती है बेसिकली, ठीक है, मेजर चीजें वही होती है, करंट अर्थ देना होता है, बाकी सुस्पेंशन से वर्किंग होता है। और ये क्या प्राइस में आता है? ये आपको पड़ेगा 850, 850 रुपीज प्लस लेबर नहीं है, 850 के अंदर ही लेबर है आपका। ये आप लोगों की रूफ लाइट जिसको आप लोग बोलते हो, दिस इज OEM, दिस इज मारुति OEM, ये कोई आफ्टर मार्केट वाली नहीं। इसका बल्ब निकाल के दिखा, ठीक है, इसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप चाहो तो LED बल्ब लगवा सकते हो, जो भी चीज मिलेगी वो शॉर्टी के साथ मिलेगी। मुसाफिर सर्टिफाइड, मुसाफिर आप लोगों को सर्टिफिकेशन देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि नाम के साथ भी आते हैं, मेरे इसमें लिखा होता है हाँ टेस्टिंग हो रही है भाई। जो मुसाफिर के चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी ना, करेक्ट, वो पूरी परफेक्ट मिलेगी आपको, जो क्या काम होता है, क्योंकि हमें अपनी रेपुटेशन और हमें दूसरे जिनको हम दिखा रहे हैं उनकी रेपुटेशन की बहुत केयर है। शोरूम में जाकर बुलाना है और उसके बाद उसको खराब करना है, फिर उनके साथ स्कैम करना है, तो वो चीजें हमारे नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे भाई, चाहे काम कम करे
भैया काम नहीं करेंगे, ठीक है, आपसे बहस करेंगे पैसे के, लेकिन चीज जैन लगा के देंगे। परफेक्ट है भाई, अच्छा लोगों को लगा दे पैसे के चक्कर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा पहले एंड्रॉइड स्टीरियो जो है ये तो मेरे को OEM दिख रहा है, टॉप मॉडल वाला स्विफ्ट का, ठीक है ये अवेलेबल है, पैसे बता दो। ये भी 15,000 रुपए विद फिटिंग, आपको 15,000 रुपए का विद फिटिंग ओरिजिनल OEM टॉप मॉडल का मारुति स्विफ्ट का, ठीक है ये अपना ग्लॉसी फ्रेम के साथ आता है, परफेक्ट। ये एक अपना एंड्रॉइड स्टीरियो है, एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड आप कोई भी लगाओ 5,000 रुपए से मेरे पास स्टार्टिंग रेंज होता है। वैसे ये हाइपरसोनिक का एंड्रॉइड है, ठीक है ठीक है, ये आप देख लो पीछे से, ये लेता हूँ तो ये आपको 7,500 के अराउंड में लगा देंगे, 7,500 रुपए से आपके पास एंड्रॉइड स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी आप लोग जितना लगाना चाहो लगा। हाइपरसोनिक का ब्रांड है जो शुरू होता है, हाइपरसोनिक का ब्रांड, ठीक है, हाइपरसोनिक लेते हो मिल जाएगा, बाकी सारे ब्रांड परफेक्ट हो गए। इधर और भी XYZ ब्रांड इन्होंने रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, मतलब सस्ते भी होते हैं, सबके फ्रेम है आपके पास, सारी गाड़ियों के। कितने रुपए से एंड्रॉइड स्टार्ट है ये बता दे। एंड्रॉइड ये 4,000 रुपए से अपने पास स्टार्टिंग है, 4,000 रुपए का एंड्रॉइड लेके चले जाओ, लेके आओगे आप बोलोगे 4,000 रुपए एंड्रॉइड लगा तो मैं गाड़ी के अंदर लगा दूंगा। 4,000 रुपए का एंड्रॉइड 1/16 वाला आप लोगों को मिल जाएगा, परफेक्ट हो गया भाई। यहाँ पर भाई ने कुछ चीजें रखी, उठा लो भाई इनको हाथों में। ये जैसे ये वैगनार का पावर विंडो का बेजल है, ठीक है भाई, इसकी वैगनार LXI CNG है जिसके अंदर पावर विंडो नहीं आता, ठीक है, फूड और आगे आगे आता है, उसको चारों करवाना है, यहाँ पे साइड मिरर फोल्डिंग वाला करवाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कम्प्लीट आपको 12,000 रुपए में विद फिटिंग। मतलब अब फिर से एक बार समझाओ लोगों को कि क्या इसमें करके देने वाले हो। ये वैगनार अपनी CNG, ठीक है, LXI, ठीक है, जिसमें पावर विंडो लग के नहीं आता, जिसमें हाथों वाला ऑप्शन आता है, हाथों वाला आता है पीछे ऑप्शन घुमाने का, आगे से दो टू डोर होता है पावर विंडो का, उसको हम फिट करके देंगे, फोर डोर पावर विंडो प्लस ये ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर का ऑप्शन भी देंगे आपको, अगर ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर लगाते हो तो वो भी लग जाएगा। मिरर हम साथ में नहीं देंगे, हम केवल ऑप्शन देंगे, मिरर आपको 10,000 का मिरर है अगर लगवाते हो तो, और ये 12,000 रुपए का आपको विद पावर विंडो फिटिंग करके कंप्लीट, परफेक्ट हो गया भाई। इसमें 12,000 रुपए में पावर विंडो के रेट है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व है, मतलब 12,000 के अंदर आपको ये बेजल मिलता है, पावर विंडोज मिलती है, और साथ ही साथ में अगर आप चाहो तो बटन लगवा सकते हो। उसके बाद हम पीछे ट्विटर भी देंगे, जो होल वाला ऑप्शन होता है ना, जो घुमाने वाला अटैच है, ठीक है, वहाँ पे हम ट्विटर भी लगा के देंगे, तो अच्छे ब्रांड का जिसकी भी वारंटी होगी। चलो भाई परफेक्ट हो गया भाई, भाई ने आपको सब कुछ बता दिया। ये चाबियां उठा लो जरा हाथ में ना, ये अपनी चाबियां हैं, ठीक है, जैसे हमने दिखाया सेंटर लॉक, अब जैसे हमारे पास कोई आता है तो कहता है मारुति सुजुकी का सेंटर लॉक दिखाओ मेरे को, ठीक है दिखा दो मेरे को एक बार। तो ये मारुति सुजुकी का भाई निपॉन का ऑफिशियल जो चीज है ना इनके पास अवेलेबल है, ये कितने रुपए का स्टार्ट हो जाता है? ये भैया 8,500 रुपए विद फिटिंग दूंगा मैं। 8,500 कितना होता है? 8,500 प्लस लेबर नहीं है, इंक्लूडिंग लेबर है निपॉन कंपनी का, जो कि आपको मारुति के ब्रांड से लग के मिलता है, वहां पर इसका रेट ज्यादा है। हम आपको 8,500 रुपीस में सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मारुति के जितने पार्ट्स हैं ना भैया, उनके कोई लेबर चार्ज नहीं है, उसके अलावा आप कुछ भी लगाते हो उसका लेबर चार्ज, परफेक्ट है। ये भाई चाबियों का स्टाइल है, ये आप लोग देख लो भाई, ये फरारी वाला है, ये फरारी स्टाइल है, ये BMW स्टाइल है, ये BMW स्टाइल है, मतलब XYZ जो भी होगा, ठीक है। अब भाई ये बता, अपना मारुति सुजुकी का जो ओरिजिनल वाला है वो भी है। अच्छा मेरे को एक चीज जो सबसे मेजर चीज पहले बता कि ये 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई, ये पूरी चाबी बनाने से लेकर पीतल की चाबी यानी ब्रास की चाबी बनाने का क्या खर्चा है? ब्रास की चाबी अगर भी सेंसर डाल के बनवाते हो तो 1200 रुपए का, विदाउट सेंसर बनाओगे तो 800 रुपए का चाबी है। डन हो गया, 1200 और 800 का आपको समझ आ गया, आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ब्रास वाली है ना चाबी ये, ठीक, अगर 800 में कोई दे दे तो मैं फ्री दे दूंगा, इतनी गारंटी। और इसकी जो अंदर की नोक होगी वो भी ब्रास की होगी, सारी चीजें ब्रास की पूरी फिटिंग करके दूंगा इसको मैं 1200 रुपए में, 1200 रुपए कम्प्लीट करके चालू करके, परफेक्ट हो गया भाई, ये डन है आपका। अब ये चीजें हम लोगों ने आप लोगों को मेजर चीजें बता दी, अब नेक्स्ट चीज जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है हम लोगों की हेडलाइट्स। ये हेडलाइट है स्विफ्ट की ZXI+ वाली ब्रांड न्यू, ये भी आपको सॉकेट टू सॉकेट बना के देंगे, ये देखो जैसे सॉकेट है। ये भाई सबसे खास बात क्या है, क्योंकि आज से नहीं, मैं विजय को काफी सालों से जानता हूँ, तो विजय के अंदर खासियत ये है कि ये सॉकेट तैयार करते हैं। और आपको पता है आपका भाई भी जो है वो काफी ज्यादा, मैं तो भाई फिनिकी हूँ इस चीज में कि मुझे चाहिए चीज परफेक्ट। आपका कपलर बना, कपलर टू कपलर जुड़ा, एंड यू आर गुड टू गो। कितने की दे देगा भाई टॉप मॉडल की हेडलाइट स्विफ्ट की ब्रांड न्यू? ऐसे फिटिंग वाली दूंगा, ये देखो कपलर टू कपलर, कपलर लगाओ निकालो, ठीक है, ये डायरेक्ट कपलर लगाए लॉक, ठीक है, ये हो गए फिटिंग, ठीक है, ये सारा कंप्लीट करके दे दूंगा मैं आपको 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की हेडलाइट, क्या इसकी कोई वारंटी गारंटी होती है? ऐसे लगा के छोड़ दोगे? 2 साल की गारंटी आप दोगे या कंपनी के पास जाना पड़ेगा? किसी तरीके की फॉगिंग, पानी, हवा, कुछ भी हो जाए भैया, किसी भी चीज के लिए 2 साल की वारंटी है, डैमेज की नहीं है, उसके अलावा कुछ भी डैमेज अगर आप कर दो तो उसके लिए हम लोग लायबल नहीं है, लेकिन उसके सिवा जो है आप लोगों को पूरी चीजें समझ आ जाएगी। और क्या बताना चाहोगे लोगों को बताओ? और जैसे ब्रेजा का आर्मरेस्ट दिखा दो भाई, ब्रेजा का आर्मरेस्ट अपना, ठीक है, जो LXI मॉडल है जिसमें लग के नहीं आता, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, मारुति का कोई भी पार्ट होगा, ठीक है, मैं आपको MRP वाला रेट दूंगा, MRP वाले रेट में मिल जाएगा भाई। जैसे ये है, ये आपको 3,000 रुपए का विद फिटिंग पड़ेगा,
3000 रुपए का, ज्यादातर लोग जो है 3500 या 4000 तक का बेच रहे हैं। ये 3000 पीछे जो एक वो होता है वो एसी वेंट वाला। अच्छा, इसमें एसी वेंट भी आप इनेबल कर देते हो? ये होता है एलेक्सा, उसमें ब्रेजा में वर्किंग होता है। वर्किंग बलेनो में कराना तो बलेनो में हो जाएगा 6000 रुपए में विद फिटिंग, हमें एसी ऑन करके देते हैं। परफेक्ट हो गया भाई, ये चीज भी भाई ने आपको बहुत बड़ी बता दी। और क्या चीज है भाई? आज पता क्या, वो लोगों को ना मैं सुन सुन के थक गया था, क्योंकि भैया वीडियो में पैसे नहीं बताते, तो मैं इसलिए पैसे ही बता दिया कि भैया आ जाओ और लगवाओ। वेरी ब्रेजा nice. का साइड मिरर चाहिए, ब्रेजा का साइड मिरर भी है। कहाँ पर पड़ा हुआ? ये यही पड़ा हुआ। देख रहे भाई, इतने सारे मारुति सुजुकी हो गया कि बंदा कंफ्यूज हो गया अपने आप ही। ठीक है भाई, ये पुरानी वाली ले आओ या नई वाली ले आओ? ठीक है, नई वाली लाओगे तो 10000 में फिट करके दूंगा, पुरानी वाली लाओगे तो 11500 में फिट करके दूंगा। बहुत बढ़िया भाई, सब चीजें भाई तूने बता दी। और कुछ क्या बच रहा है भाई? अभी मेन तो चीज है पावर विंडो। ठीक है, जो पावर विंडो मैं दिखाऊंगा उसकी मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, जो उसमें स्कैम हो रहा है आजकल लोग कर रहे हैं कि 13000 रुपया पावर विंडो लगा दूंगा आ जाओ मेरे पास। ठीक है, 12000 रुपया लगा दूंगा आ जाओ मेरे पास, लेकिन लोग जाके लगवा लेते हैं। ठीक है, वो तो कभी खड़े को देखते नहीं है जो क्या काम हो रहा है गाड़ी के अंदर, करने वाले तो पीछे कर जाते हैं। पावर विंडो में जो वायरिंग लगती है, वायरिंग इसलिए मैं रख रखा हूँ दिखाने के लिए, ये देखो 3 गेज की वायरिंग। एक मिनट रुक जाओ, आप ये लोग देखो, ये 3 गेज की वायरिंग है। ये स्पीकर वायर नहीं है, जैसे आप कहीं भी जाओगे ना तो स्पीकर वायर आपको दिखा रहा हूँ कौन सा डालते हैं वो। मैं देख ली, मैं समझ गया जी। तो ये होती है स्पीकर वायर, ये रोल है। ठीक है, ये डाल के पावर विंडो चालू करते हैं, बट मेरे पास ये चीज नहीं मिलेगी। इसमें बाद में फ्लक्चुएशन की दिक्कत आती है? आती है बिल्कुल, 110% आती है। ये हम लोगों ने बहुत कंप्लेंट देखी है कि ऐसा होता है दिक्कत। अरे उस दिन आए थे भैया, वो भी जाने माने किसी दुकान से काम करा रखे थे। ठीक है, वो खुद कह रहे थे भैया लाइटें बनवा के गए अपने से, सारा काम करा गया, कह रहे यार बताओ ऐसे ऐसे लोग ऐसे। चलो कोई बात नहीं, हम तो अच्छा काम करके दे रहे। तो ये चीज है, ये 3 कोर वायरिंग है, अगर आप देखो तो इसमें पीला, रेड और ब्लैक तीनों मिल जाएगा आप ये तीनों को। दिख रहा ना आपको? हाँ। ये तीनों आपको 3 कोर की वायरिंग है, ये पावर विंडो के लिए स्पेशली यूज होती है। ठीक है, ये हम स्पीकर में बूफर वाला वायर नहीं डालते, सिर्फ पावर विंडो के लिए मंगा रखे, क्योंकि अगर शुरू हमने कर रखा है तो हमें हमारा कोशिश ये रहता है किसी को काम अच्छा करके दें, ताकि किसी को अगर प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी ना हो किसी को, तो वो चीज़ है। और ये आपको पावर विंडो में मैं दिखा रहा हूँ, ये वायरिंग तो देख लिया अपने, पावर विंडो दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो VXI ZX है और डिजायर का, तीनों का भी दिखा रहा हूँ। अब हम आप लोगों को कुछ और चीजें दिखाएंगे, सबसे जरूरी तो पावर विंडो है। पावर विंडो आ गई, एलेक्स की गाड़ी लेने वाले जो पावर विंडो बंदे मांगते हैं, जो हमारा वो आ गई है, वो आ गई है। ठीक है भाई, स्विफ्ट का पावर विंडो जो अपना ZX है वाला पावर विंडो है, गत्ता, ये मतलब वही गत्ता होता है, इसमें पावर विंडो भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अगर ये हम स्विच यहाँ पे फिट करके देंगे, ये पावर विंडो ही बन जाएगा, जैसे ये पावर विंडो बन गया। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे ORVM का फोल्डेबल स्विच आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जो कहते हैं बंदे VXI और ZXI। ठीक है, तो ये गत्ता सबका सेम होता है, यहाँ पे अगर कार्बन फाइबर आ जाता है तो VXI का होता है, अगर ये सिल्वर होता है तो ZXI का होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है भैया, इस काम को शुरू करने वाला मैं हूँ। अच्छा मेरे को, वैसे चल ये तो तू बात बता ही रहा है, मेरे को एक चीज बता, तुम्हारी पहले बहुत सारी YouTube में वीडियोस जो है, हमारे और यूट्यूबर भाई ने जो है तुम्हारी वीडियोस डाली, जब तुम वर्किंग किया करते थे करौलबाग के अंदर, तो तुम्हारी एक शॉप होती थी यार, उसका नाम क्या था? ओडियन मोटर। ओडियन मोटर होता, तो अभी भी उधर एसेसरी का काम है? एसेसरीज का काम वहाँ अब नहीं है, एसेसरीज का काम जो था। अच्छा, कार मोटर का अब ओडियन मोटर से कोई वो नहीं है, मतलब एसेसरीज से रिलेटेड कुछ नहीं है। आप जितने भी वीडियो देखे होंगे तो इनको ही पहचानते होंगे, अंकल वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो साथ में। ठीक है, तो सर अब जो है ओडियन मोटर में हमारा जो है वो केवल सेल परचेज का काम? ओडियन मोटर सिर्फ सेल परचेज है, एसेसरी सारी शिफ्ट कार मोड में आ चुकी है। ठीक है भाई, तो अगर ओडियन में कोई भी आप वर्किंग हो रही है, अगर कोई वहाँ पर शॉप वर्किंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कार मोड लाइबल नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, वीडियो में आपको शक्ल दिखी? हाँ। भाई ऑफ कोर्स ही बात है, इंसान लाइफ में जैसे से अपग्रेड करता रहता है, हम भी एक स्टोर में आए, उसके बाद बड़े स्टोर के अंदर आए, तो प्लीज इस चीज के बारे में समझेगा, फॉर एनी वर्किंग जो कार मोड के अंदर की जाती है, हम लोग उसी के लिए लाइबल है, या फिर अगर आपने जो ओडियन जो जिस टाइम पे भाई थे वहां पर वर्किंग, या फिर अंकल जी वहां पर वर्किंग थे, तो उस टाइम पे जो वर्किंग हुई है उसके लिए हम लोग लाइबल है। अगर अभी आप कुछ कराते हैं, आपके साथ जो भी आप वर्किंग कराते हैं उसके लिए जो भी लाइबल होंगे, जो अभी वहां पर करेंटली काम कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी वर्किंग कर रहे हैं, वो उनके लिए लाइबिलिटी होगी, हमारे लिए कुछ नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीबडी, हम लोग अपनी वर्किंग कर रहे हैं, सब लोग अपनी वर्किंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को आइडिया वाइज समझ आ चुका है। नेक्स्ट चीज दिखाओ भाई, और क्या दिखा रहे हो? ये हो गया, ये अपने स्विफ्ट का है, वैसे ये डिजायर का है। ठीक है भाई, डिजायर का भी अवेलेबल है, डिजायर ZXI वाला है, जो ZXI में लग जाता है पावर विंडो टॉप मॉडल, जो दरवाजे चेंज करके लगाते हैं। ठीक है भाई, ये भी हमारे तो हमने दोनों देख लिया, अब हमें तो प्राइस तो पूछा नहीं कि प्राइस प्राइस क्या है भाई, बताओ। ये भैया 14500 रुपए में विद फिटिंग है। कितने डोर? चारों डोर, पावर विंडो, वायरिंग, स्विच, लेवर इंक्लूड, 14500 रुपए। 14500 रुपए में जिसमें वायरिंग डाल के देंगे हम आपको, वो वायरिंग ये वाली होगी, ये वो वाली नहीं है, वो स्पीकर वायर नहीं है, नहीं स्पीकर वायर नहीं होगी, ये वाली वायर होगी।
अगर इसी में आप वायरिंग स्पीकर वायर डलवाते हो तो 1000 रुपए सस्ता पावर विंडो पड़ता है, वो हम डालेंगे, बट लेकिन उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। चलो अभी बोल, इसका क्या रेट आ रहा है? ये आपको 15,500 रुपए का दूंगा, 1000 रुपए स्विफ्ट से महंगा होता है डिजायर का। ठीक, ये भी आपको वायरिंग स्विच कंप्लीट पूरी चारों डोर वर्किंग करके चला के चेक करो और वारंटी के साथ आपको। वेरी नाइस। और ये भाई क्या मिरर है? ये अपना भी है स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर वैगनार और बलिनो। ठीक है, प्राइस ऑलमोस्ट सब गाड़ियों का सेम है, 10,000 का विद फिटिंग है, विद पेंट, विद रिले। नहीं रिले अलग होती है। अच्छा, इसमें रिले का रेट अलग है? रिले आपको 1300-1350 रुपए का अराउंड रिले है इसकी। ठीक है, जो हार्डी कंपनी की आती है, नहीं लगवाते तो उससे एक चीज और फायदा है आपकी, ये जो साइड में रखी है इसकी लाइफ अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि जितने बार लॉक करेंगे उतने बार बंद होगा, जितने बार लॉक करेंगे उतने बार खुलता है, तो उससे क्या होता है मोटर की लाइफ कम हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये चीज है, अगर रिले लगवाते हो तो 1350 रुपए की रिले है, वो आप लगवा सकते हो। और वैसे 10,000 रुपए का, वैसे 10,000 रुपए का विद फिटिंग है, कलर बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, करके दूंगा। पूरा रेट जो है भाई ने आप लोगों को रिवील कर दिया, आई गेस। और तो कुछ बच नहीं रहा, बच रहा है अभी तो छोटे मोटे भी है, बहुत ऐसे ऐसे छोटी मोटी तो छोड़, तूने बड़ी चीज तो दिखाई दी धमाकेदार, ये देख रहे हो भाई यहाँ क्या सलसला बना दिया भाई पूरा। तो अपना बस यही होता है, वहाँ के म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारे अपने पास ब्रांड होते ही है, सस्ता से लेके अच्छा कराना किसी को तो वो भी आ सकता है, सारा ही काम ऑलमोस्ट जो भी है। हेडलाइट में मैंने आपको दिखाया था, जो ब्रांड न्यू जैसे दिखाया था। अच्छा, तुम अब मॉडिफाई के बारे में बता दो। अब मैं मॉडिफाई के बारे में बता देता हूँ, तो ये हेडलाइट जो न्यू दिखाया टॉप मॉडल का, तो ये ओल्ड है। ठीक है, ये अपना ब्लैक कलर का ब्लैक आउट किया हुआ है, ये ब्लैक आउट किया हुआ है। ठीक है, ये DRL है, वर्किंग है। ठीक है, ये आपको 12,000 रुपए में विद फिटिंग ग्लास चेंज करके दूंगा मैं आपको। और इसके अंदर पूरा डीमेन आए सब कुछ लगा, डीमेन ही अलग होता है, तो इसमें हम लोग केवल ब्लैकआउट करके देंगे और ये ब्लैकआउट करके देंगे और ग्लास चेंज करके देंगे। ठीक है, ये आपको टॉप मॉडल की हेडलाइट है, ऐसे करके देंगे जो इस कंडीशन में आती है। अभी उठाओ इसको, उठा के दिखाओ, ये इस कंडीशन में आती है जो अभी आ रही है, ऐसे होती है। तो इसको जब हम ब्लैकआउट करते हैं तो पूरा ब्लैक हो जाता है ग्लास, इसके ऊपर हम अपना गाड़ी का जो लग के आता है वो नया लगा के पूरे 12,000 में आपको फिट करके देते हैं। उसमें शीशा लेकिन ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल होगा जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ आता है। वेरी नाइस, जो मर्सिडीज वाली डिजाइन होती है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, दिखा ही रहे तो पूरा ही दिखा देते हैं। दिखा दो भाई, दिखा दो। है ना, ये जो अपनी टेल लाइट है ये मर्सिडीज डिजाइन है। ठीक है, इसमें एक वीलेंड आती है, एक मिनी कूपर आती है। ठीक है, ये तीनों डिजाइन आपको मिल जाएगी। मर्सिडीज डिजाइन 9,000 रुपए की है जो है स्कैनिंग वाली। ठीक है, वीलेंड वाली लेते हैं तो 11,500 की है टेल लाइट, मिनी कूपर लेते हैं तो 13,500 रुपए की टेल लाइट। तो सबके रेट रिवील हो गए। ये आपका रेट है इसके टेल लाइट के। उसके बाद आपने पूछा जो कस्टमाइज का, जो हेडलाइट कस्टमाइज कराने का। ठीक है, तो ही मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये नहीं है कोई चीज़ के लिए कहीं जाना है, और ये कुछ है, और मेन चीज़ अभी मैं एक चीज़ और धमाका दिखाऊंगा आपको जो अभी दिखाया नहीं हूँ इसका, ये सीक्रेट भी खोलूँगा क्या है ये बताऊँगा। पहले प्रोजेक्टर देखते। ठीक है, ये प्रोजेक्टर है AES ब्रांड के, हाँ, इसमें IPS आता भी है, IPS का भी मिल जाता है और AES का मिल जाता है। ये आपको 9,000 से अराउंड 10,000 के रेंज में विद फिटिंग पड़ेगा आपको। प्रोजेक्टर विद HID 1 ईयर के वारंटी, रिंग लगी आती है, रिंग लगी हुई आती है डबल कलर वाले, कुछ डिस्प्ले में लगा हुआ दिखा भी दूंगा मैं आपको नीचे। ठीक है, वो भी है। इसी में आपको प्रोजेक्टर जैसे ऑटो की आता है, अगर कस्टमाइज हेडलाइट करानी है तो किसी को, जैसे LXi की अपने कस्टमाइज कराना तो भी, जैसे ये है ऑटो की का प्रोजेक्टर है, ये आपको 3 इंच सराउंड है और ये हनीकॉम के साथ है। ठीक है, हनीकॉम वाला डिजाइन होता है, हनीकॉम वाला डिजाइन है इसमें, और ये 3 इंच सराउंड है, ऑटो की का प्रोजेक्टर है, 1 ईयर की वारंटी मिलेगी आपको विद HID, ये पड़ेगा आपको 15,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बजट में ऊपर चले जाता है, ऊपर चला जाता है, बट इसकी जो लाइट की जो रिस्पॉन्स है बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। चलो भाई, आई गेस आप लोगों को आइडिया जो है यहाँ पर मिल चुका है। अब चलते हैं नीचे हमारी गाड़ी की वर्किंग की तरफ। अच्छा, अभी तो मेन वाली चीज रह गई, भूल गए भी हम, अभी तो मेजर चीज है, रियर वाइपर का सामान है सारा, रियर वाइपर का। हाँ जी, तो ग्लास भी है इसके अंदर? ये ग्लास है, क्या बात कर रहा है, ये ग्लास का। तो ये ब्रेजा गाड़ी के लिए आ गया मुझे लग रहा है। नहीं, ब्रेजा और अपने स्विफ्ट, ठीक है, गाड़ी का हो जाएगा। ओ भाई साहब, अगर स्विफ्ट का कराता हूं तो ब्रांड न्यू बॉक्स पैक ऐसे ही फिट करके दूंगा मैं, 13,000 रुपए का रियर वाइपर। तो इसको खोलो मत यार, ये भाई महंगी चीज है, रिक्स वाला चीज है, रिक्स वाला चीज है, खुल गया टूट जाएगा शीशा, क्योंकि निकालना एक बार पैक करना बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है ना, हमारे से पैक नहीं होगा ना, क्योंकि मारुति से पैकिंग आती है, लेकिन 100% हमारे पास है, 100% है, जब लगेगा वीडियो आ जाएगी। ठीक है, या देख रहे हो
ये कोई जुगाड़ वाला नहीं है। 13,000 रुपए दे दूंगा। देख लो उधर क्या लिखा हुआ है, कांच 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 टूटने वाला है, कृपया ध्यान से रखे। और ये ब्रेजा का लगवाता हूँ तो ब्रेजा का 15,000। 15,000 का ब्रेजा का है और इसका कितना है? 13,000। 13,000 का ब्रेजा का है? नहीं नहीं 13,000 का स्विफ्ट का है। ठीक है। और 15,000 ब्रेजा ZX प्लस में जाना है। ठीक है। उसमें आपको मोटर, असेंबली, रियर वाइपर, रियर डीफोकर भी ऑन करके दूंगा, सब कुछ। हाँ वो भी करके दूंगा इसी में। और अगर इसी में अगर ब्रेजा का लेते हो तो ब्रेजा का आपको 15,000 पड़ेगा, वो भी रियर डीफोकर। थोड़ा सा दिखाए कि नहीं दिखाए यार, खोलना इसका भैया बहुत एक सौला काम है, दिखा तो देता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से दिखा। लोग बोलेंगे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, डिब्बा तो नहीं लिया है। वही वही चीज है, इसीलिए ये देखो ये ग्लास है, ये पैक है। ठीक है भाई, आप लोगों के सामने है, शीशे की आवाज तो सुनाई दे रही होगी। ठीक है भाई, तैयार है यार, लोगों को सब पता है कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। तो ये चीज है, हम कोई पुराना सामान नहीं लगाते हैं, कोई किसी के साथ स्कैम नहीं करते, हम सीधा काम करते हैं, साफ सुथरा करते हैं बिजनेस। फैसल जो लेंगे भैया आपसे जीत करके लेंगे, बहस करके लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चलो काम में कोई कमी। नीचे एक बलिनो कर रहे हैं, उसकी वर्किंग आपको चेक कराता हूँ, उसके बाद फिर आपसे और बातचीत करते हैं। आप लोगों को जो कस्टमाइज लाइट के बारे में बताया था, यहाँ पर एक वरना की लाइट जो है वो तैयार हो रखी है, ये आप लोगों के लिए डेमो लाइट जो है यहाँ पर तैयार की गई है। ये आप लोगों की स्कॉर्पियो की लाइट्स है, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों की स्विफ्ट की लाइट्स यहाँ पर तैयार की गई है। आइडिया वाइज अपने अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, जैसा आपका बजट हो, जैसी वर्किंग आप कराना चाहो वैसी आप करा सकते हो। और केवल अगर डिमन आई के शौकीन हो गाड़ी के अंदर, ये आप लोगों को मिल जाता है, विद ऐप ऑपरेटेड होता है और बिल्कुल स्नग फिट लुक आता है। जिस बलिनो के बारे में मैं बात कर रहा था वो बलिनो है बेस मॉडल, कार मॉड का आपको ऊपर बोर्ड देखने को मिलेगा। इस गाड़ी में मैं मोटी मोटी चीज आपको समझाता हूँ, कंपोनेंट तो हमने देख लिया, ये भी चेंज किया है भाई। हाँ, ये भी चेंज किया है। ठीक है, ये आप लोगों के इनर क्रोम हैंडल्स होते हैं। ठीक है भाई, ट्विटर शैश भी लगा दिया इसके अंदर, स्टीयरिंग भी लगा दिया, टॉप मॉडल का स्टीयरिंग जो कि आप लोगों का ZXI वाला आता है, स्टीरियो आ गया, एंड्रॉइड स्टीरियो लगा दिया है। नीचे स्कप प्लेट देख पा रहा हूँ मैं, स्कप प्लेट भी लगी है, एमएन लाइट लगी है, और क्या लगा रहे हो? और आगे ये हेडलैम्प है। ठीक है भाई, हेडलैम्प भी अपग्रेड कर दिया। इसमें हेडलाइट में अपने को नीचे प्रोजेक्टर डाली है। ठीक है, प्रॉब्लम IPS। जलाओ जलाओ दिखाता हूँ। और ऊपर क्या लगाया? ऊपर LED का मिक्सर। ठीक है, एक बार देखो आप लोग। ठीक है भाई, ये आप लोगों को अगर फास्ट डिपर चाहिए तो फास्ट डिपर के लिए आप लोगों का LED जो है वो सक्सेसफुल है। आई होप। ठीक है, व्हील कैप भी ओरिजिनल है मारुति, और ये नेक्स्ट वाला जो आता है ये क्रोम जो है ये ओरिजिनल है कैसे? नहीं, ये आफ्टर मार्केट आता है, ये कंपनी ने नहीं बनाया। ठीक है भाई, और क्या लगाया? ये लगाया, ये तो आजकल आप लोगों को हर किसी के पास ये क्रोम जो है देखने को मिलता है, ये भी ओरिजिनल लगा रखा है। ये डिक्की पत्ती है। ठीक है, डिक्की पत्ती दिखाओ। ये सारा नेक्सा का ओरिजिनल है, सब नेक्सा ओरिजिनल है, इसमें कोई ये नहीं है, ये सब ओरिजिनल है। तो रियर कैमरा कहाँ लगाया? रियर कैमरा नहीं लगाया इसमें। रियर कैमरा लगवाया नहीं लगाया। तो कैमरे का तो फायदा होता है, कैमरा मेरे को जरूरी नहीं कोई। अच्छा, कैमरे की जरूरत नहीं लगती, कैमरा कितना भी लगा लेता हूं, फिर भी बैक डाल के मैं मुंडी पीछे को मारता हूं, तो कोई फायदा नहीं होता। बाकी जो प्रोजेक्ट दिखाया, दिखा दिया मैंने, सबको दिखा दिया, वो मैंने बता दिया। बाकी यही है, आपको आना है, काम करवाना है, रेट आपको वीडियो में मिलेगा, कोई भी चीज है आओ आप काम करो, उसके लिए हम बैठे हैं, बाकी के लिए। चलो भाई, ये काम जो है ये सारा कार मोड के अंदर हुआ, अगर आप लोग आना चाहे जरूर आइए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए चैनल को, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है वीडियो आपको पसंद आती है, स्पेशली ये उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ब्रेजा खरीदने वाले हैं, बलिनो खरीदने वाले हैं, मारुति की स्विफ्ट खरीदने वाले हैं, तो उनके लिए बढ़िया खरीदने वाले, विटारा वाले के लिए सामान है। बहुत बढ़िया भाई, ऑन कैमरा सब कुछ भाई ने आपको बताया, और आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। भूलना स्विफ्ट हो गई है, ओडिन मोटर जो है वो वाला जो काम था वो इधर शिफ्ट हो गया ओडिन मोटर को। ठीक है भाई, ये भाई ने आपको क्लियर बता दिया आप लोगों की नॉलेज के लिए। अगर कुछ भी वर्किंग जो ओडियन की पहले होती थी जब वीडियो इनकी आई थी उस टाइम पे सारी चीजों के लिए ये लाइबल है, बाकी आप दिक्कत परेशानी है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, पहले वाले में अभी वाले में। चलो भाई ठीक है, आई होप पसंद आया, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंस्टाग्राम मुसाफिर तगैरा, फेसबुक मुसाफिर कास्ट, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।